मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था उस टाइम पर, मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि बिकॉज भाई कॉलेज और स्कूल में अगर यू डोंट हैव नॉलेज फॉर बींग अ कैबिन क्रू तो आपको नहीं पता होता कि आपको कहाँ जाना है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करना है या फिर आपको डायरेक्टली किसी इंटरव्यू के लिए जाना है। सो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो प्लीज आप वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा, मेरी पूरी कहानी सुनिएगा और अगर आपको उससे कुछ भी हेल्प मिलती है कुछ भी। शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली क्योंकि ये है मेरी कैबिन क्रू जर्नी के बारे में, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और मैं इसके बाद अपना रिजेक्शन भी शेयर करने वाली बिकॉज ये भी चीजें बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। पीपल डोंट शेयर दैट कि हमारा रिलेशन में थे, पीपल आर लाइक हमारा तो भाई फर्स्ट टाइम में हो गया था, बट वो वीडियो भी मैं डेफिनेटली शेयर जरूर करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय जर्नी क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हाउ द थिंग्स हैपन। बहुत सारी रील्स बनाई है, मैं बाहर पार्टी से नहीं आई हूँ, मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है, आप प्लीज जाके जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानसी वाई 2001 एंड डू लेट मी नो कि आपको रील्स कैसी लगी, ठीक है। 2018 सो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है वहां से एंड इट वॉज जस्ट मैंने 12th अपनी क्रॉस करी थी एंड दैट वॉज माई कॉलेज डेज। सो मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, सुबह ना सारे क्रेज होता है कि भाई कॉलेज में जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे ऑल एंड ऑल, सो दैट वॉज माई कॉलेज डेज एंड मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरे कॉलेज फ्रेंड्स बैठे हुए थे कैंटीन में, वी वर जस्ट डिस्कसिंग लाइक यू नो ये इंटरव्यूज हो रहे हैं, यही सारी चीजें हो रही हैं एंड I used to be like कि हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना, चाहे कॉलेज हो कुछ भी चीजें हो। इवन आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू ऑल माय क्यूटीज आउट देयर कि आप लोग कोई भी एक्टिविटीज होती है प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट बिकॉज दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली, है ना। तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए अपने कॉलेज या स्कूल में। ओके इफ वी गो अहेड आई यूज टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी थिंग एंड मैंने मेरी फ्रेंड ने बस डिस्कस किया कि ना कि कैबिन क्रू के इंटरव्यूज हो रहे हैं। मैं बहुत पहले आई यूज टू गो लाइक बॉम्बे में मैंने फ्लाई किया था बिकॉज मेरे जो ब्रदर है ही इज टू वर्क विद शामक दावा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सो ही कभी मुझसे बॉम्बे मिलने के लिए जाते थे तो आई हैव फ्लोन इन द एयरक्राफ्ट, सो मैंने पहली बार क्रू को देखा था एंड दैट वॉज सो फैसिनेटिंग, है ना, कितनी सुंदर लगते हैं, कितने प्रिटी लगते हैं ना, सो दैट वॉज रियली फैसिनेटिंग। प्लीज इग्नोर दैट, मैं भी वही कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने डिस्कस किया कि यार ये इंटरव्यूज निकले हुए हैं, ये सारी चीजें कर रही है क्रू के लिए। मैंने बोला ठीक है, आई वॉज लाइक चलो लेट्स गो फॉर ईच एंड एवरी, आई नेवर यूज टू से कि नहीं हम इस चीज के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये चीज के लिए हम जाएंगे नहीं। आई ऑलवेज यूज टू बी लाइक लेट्स गो फॉर द इंटरव्यूज। इट वॉज नॉट अ प्री प्लान जर्नी बट डेफिनेटली जब सारी चीजें ब्रेक डाउन हुआ एंड एवरीथिंग हैपेंड एक्सपीरियंस है कुछ सीख पाते हो तो बहुत अच्छा होगा ना। प्री प्लान करे मेरी बहुत सारी चीजें हुई हैं डेफिनेटली एंड नाउ मैं जाती हूँ अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए और दैट वॉज आई थॉट दैट वॉज इंटरव्यू बट मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था उस टाइम पर, मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि बिकॉज भाई कॉलेज और स्कूल में अगर इफ यू डोंट हैव नॉलेज फॉर बींग अ कैबिन क्रू तो आपको नहीं पता होता कि आपको कहाँ जाना है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करना है या फिर आपको डायरेक्टली किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको नहीं पता होता उस पॉइंट ऑफ टाइम में। मेरे को भी नहीं पता था इस चीज के बारे में कि मेरे को डायरेक्ट इंटरव्यूज देने के लिए जाना है या इसकी कोई ट्रेनिंग होती है, तो मेरे को जो जो कह देता था ये मैंने कोई इंटरनेट पे देख लिया, आई यूज टू गो फॉर दैट थिंग, है ना। सो सेम चीज मेरे मॉम डैड ने मैंने उनको बताया इवनिंग में आके, दे वर लाइक ओके फाइन जस्ट गो फॉर इट, ओके दे नेवर यूज टू बी लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव, आई एम रियली लकी फॉर दैट, सो थैंक यू सो मच इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, आई लव यू सो मच। नॉट फॉर इंटरव्यू, दैट वॉज फॉर एन इंस्टीट्यूट एंड हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस विद दैट इंस्टीट्यूट वो मैं आपको पर्सनल वीडियो बना के बताऊंगी, प्रॉपरली अ वीडियो कि हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस विद दैट इंस्टीट्यूट जो मैंने ज्वाइन कर लिया था एंड उसके बाद नाउ जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आई डिडंट नो कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, एंड आफ्टर दैट ज्वाइनिंग दैट इंस्टीट्यूट मैंने कुछ वीक के बाद ही, गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर यू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट दे टेक इंटरव्यूज बट दैट इज नॉट लाइक प्रॉपर इंटरव्यू कि आपको, है ना, क्योंकि माइट बी दे कैन टेक यू लाइक अगर आपकी हाइट क्राइटेरिया भी कभी कभी मैच नहीं करता दे टेक यू लाइक दैट ओनली। सो मेरे को लगता है कि ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए एज कम्पेयर टू वेन यू आर वेरी नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स बिकॉज
मैंने ये सारी चीजें गलतियां करी, आई रियली डोंट वॉन्ट जेन्युइनली कि आप लोग भी सेम मिस्टेक करो, ठीक है? सो प्लीज सी दिस वीडियो कंप्लीट एंड तक, आपको जो मेरी मैंने जो मिस्टेक करी, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट दैट मिस्टेक. सो प्लीज सी दिस वीडियो कंप्लीट एंड तक, आपको जो मेरी मैंने जो मिस्टेक करी, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट दैट मिस्टेक. नाउ मैंने इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट में कर लिया, बट मैं कुछ वीक के बाद ही मैंने अपने आप खुद ही इंटरव्यूज देने के लिए मैं गई थी रैंडमली. इट वॉज नॉट अलाउड बट आई वेंट फॉर द इंटरव्यू डायरेक्टली. सो मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ एंड आई गॉट क्लियर विद दैट इंटरव्यू एंड दैट वॉज वेरी क्विक एंड आई वॉज लाइक वाओ आई डिड इट. सो मैंने वापस आके उनको बोला कि यू नो रिफंडेबल नहीं था वो अमाउंट, दैट वॉज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए मैंने अपने खर्च कर दिए थे ऐसे ही, बट दैट वॉज अ बिग अमाउंट डेफिनेटली अगर मैं चीज़ों को सोचती हूँ तो. सो आई रियली डोंट वॉन्ट यू पीपल टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी बिफोर. प्लीज ट्राई टू सजेस्ट मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू कम ऑन द लाइव सेशन टू टेक योर यू नो थिंग्स, सो लाइक इफ यू नॉट टेक सजेशन आई बी हैप्पी टू टेल यू. सो मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि नो कि अगर मेरे पैसे बर्बाद हो आप लोगों के ना हो. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई टीच यू, आई ट्राई टू मेक अवेयरनेस. और सारी चीजें हुई गाइस, आई फेल्ट बैड कि यू नो आई विश आई वुड हैव गिवन माय इंटरव्यू, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट आई फील लाइक. बिकॉज ये चीज आप भी सीखिएगा अपनी लाइफ में, आई मीन आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो. जब मैंने मिस्टेक करी, दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक, कि मैंने अपनी क्वालिटी जाने बिना आई हैव गॉन फॉर एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट. माइट बी कुछ लोगों के अंदर ऑलरेडी क्वालिटीज होती हैं तो दे डोंट हैव टू ज्वाइन एनी ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर और एनी इंस्टीट्यूट फॉर, वो उसके बिना भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है? सो आप प्लीज आप पहले इंटरव्यू दे के देखो बिना किसी चीज को ज्वाइन करे, गो एंड गो डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यूज. बिकॉज फॉर मी आई मीन दैट वॉज सेकेंड थिंग, पीपल लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट कि आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैंडेटरी, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी. आई डिडंट नो दैट. आई थॉट यू हैव टू डू सम ट्रेनिंग एंड देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू. कि कभी भी आप किसी भी उसके लिए जा रहे हो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, पहली चीज वो आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू दे सकते हो, कोई आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है किसी भी इंटरव्यूज के लिए. सेकेंड चीज, जो कैबिन क्रू के इंटरव्यूज होते हैं वो फ्री होते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है कि मुझे इंटरव्यू देना था मुझे पैसे कोई पूछ रहा है तो प्लीज उनको मना कर दीजिए, दैट इज नॉट मैंडेटरी. यू कैन डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाके, एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाके आप इंटरव्यूज दे सकते हो, अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इंटरव्यूज दे सकते हो. लव टू शेयर माई रिजेक्शन एज वेल विद यू गाइज, क्योंकि मेरा एक बहुत ही बड़ा पार्ट रिजेक्शन भी प्ले करता है और रिजेक्शन का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, बिकॉज दैट वॉज लाइक माई मोस्ट इमोशनल पार्ट. बिकॉज ये मेन जर्नी का मेन मेन चीज वही है, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट रिजेक्शन. ब्रेक होने के बाद यार गाइस, इतना करने के बाद देन मैं उन चीजों से बाहर निकल के देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस इंटरव्यू. और मेनली आई हैव सेलेक्टेड फॉर जेट एयरवेज एज वेल एंड इंडिगो एयरलाइंस एज वेल. फिर आई हैड ऑप्शंस की ना मैं कौन सी एयरलाइंस के लिए जाऊं एंड बट मैंने इस डेफिनेटली इस पूरी जर्नी में ये जरूर सीखा था कि एटलीस्ट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू पीपल आउट देयर. आई जस्ट थॉट व्हेन आई केम फॉर द माई फर्स्ट राउंड जब मैं आई थी, सो मैंने ये चीज जरूर सीखी थी कि when I used to ask people कि you know कैसा था इंटरव्यू आप लोगों का या कैसी थी आपकी जर्नी, आप कोई क्वेश्चन आप मुझे बता दो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए, एंड पीपल यूज टू बी लाइक अरे बहुत ईजी है, हो जाएगा, इट्स वेरी ईजी. कोई भी नहीं बताता था कि आपको कहाँ जाना है, विच इज योर नेक्स्ट स्टेप, क्या करना है, कौन सी वेबसाइट होती है, क्या होता है, कैसे अप्लाई करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. देर वॉज नो बडी अराउंड मी, मेरे एविएशन बैकग्राउंड से तो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं एक्चुअली, ठीक है गाइस. कैबिन क्रू की लाइफ में बहुत ज्यादा लोग हैं, पीपल गो फॉर द इंटरव्यूज, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी. इतने सारे लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं और वो लॉट ऑफ पीपल आर देयर कि जो पैसे लोगों से खा लेते थे, टेल की ना 30,000 आप मुझे दे दो, 50,000 दे दो मुझे, मैं आपका इंटरव्यू क्लियर करा दूंगा, इंटरव्यू क्लियर करा दूंगा. देर आर नो बडी आउट देयर, कोई ऐसा नहीं होता. देर वॉज अ गैप बिटवीन अवेयरनेस. सो आई वॉन्टेड टू हेल्प यू गाइज कि एटलीस्ट मेरे को मिस गाइडेंस इतना ज्यादा हुआ था कि देर वॉज नो बडी टू हेल्प मी आउट देयर कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, अगर मेरे रिजेक्शन हो गए तो नाउ वट आई हैव टू डू, क्या मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मेरी मॉम ने भी, दिस वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यूट्यूब चैनल वॉज अ मेन थिंग जो मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया था. शी टोल्ड मी कि एटलीस्ट इफ यू हैव अ नॉलेज प्लीज शेयर दैट टू समबडी, आप भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद तो देर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन रिकॉर्ड योर थिंग्स
एंड आप शेयर कर सकते हो डेफिनेटली. सो इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था एंड आई हैव शेयर्ड ऑल ऑफ यू द थिंग्स जो भी मैं सीखती हूँ करती हूँ माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. और थैंक यू सो मच, देयर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ आउट देयर जिन्होंने अपना इंटरव्यूज क्लियर करे हैं एंड ग्राउंड स्टाफ हो चाहे कैबिन क्रू हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके इतने सारे मैसेजेस देख के, द पीपल हु हैव गॉट सिलेक्टेड एंड स्पेशली जो मुझसे मिलने आते हैं एयरपोर्ट पे या फिर यू नो मुझे रैंडमली मिल जाते हैं, दे टोल्ड मी कि यू आर इंस्पिरेशन और आपकी वीडियोज काफी हेल्प करती है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड दैट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए. आई लव यू सो मच गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एट ऑल. एंड आई होप अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, इंस्पायर कर रही है, हेल्प कर रही है, किसी के पैसे बच रहे तो इट जस्ट मीन कि मेरे पैसे बच गए यार. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव. I love you so much and this is just a beautiful journey. This is your dream and this is your destination. I am with you. Let's complete your dream and let's come to the destination and let's fly together. I'll be happy to meet you guys very very soon. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा because you are my future cabin crew. Already you are my future cabin crew because you are very hardworking. For seeing this video every single day. So, thank you so much. और अगर आपको मेरी जर्नी की वीडियो पसंद आई, मेरा रिजेक्शन का पार्ट डेफिनेटली रह गया. रिजेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मेरा रिजेक्शन हुआ था वो पर्टिकुलर मैं वीडियो बना रही हूँ. और क्योंकि मेरे रिजेक्शन से भी आप लोग काफी चीजें सीखेंगे, मुझे पता है काफी लोग इंटरव्यूज देने के लिए जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू कम आउट फ्रॉम देयर और बाहर निकलो और शो देम वॉट यू आर. ठीक है, सो See you in the next video. और I hope आपको वीडियो पसंद आई. अगर पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को. आई रियली जनरली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड लव. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू. आई लव यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.